युवाओं को समझ सकते हैं। आज पूरे बिहार की पैदल यात्रा 250 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। कुछ है कुछ ठीक है युवाओं को समझ सकते हैं। आज पूरे बिहार की पैदल यात्रा 250 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। कुछ है कुछ ठीक है प्यारे। मैं अली सर, जैसे आपको पता है कि कल रात 8 बजे हम लोग को तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है और उनसे 2 से 3 मिनट तक बात भी हुई और सारे मुद्दे आपके जो थे उनके सामने रखा। साथ साथ हम लोगों ने ज्ञापन भी आपके तेजस्वी यादव जी को दिया। बहुत एक अच्छे लीडर हैं वो और सच में युवाओं की बात सुनते हैं। उन्होंने मेरे से 2.5 से 3 मिनट तक बात की और हर एक बात को समझने की कोशिश किया कि मैंने मुद्दा क्या लाया। इस पर वो सहमति भी दिखाते हुए नजर आए और साथ साथ उन्होंने बोला चलिए एकदम मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा और आप अपना ज्ञापन दे दो, जैसा आगे होगा मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा कि क्या आगे की कार्रवाई रहेगी, कैसे करना है। मेरे प्यारे बबुआ तेजस्वी यादव जी से बात हुई, बहुत विनम्र, बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो और युवाओं के लिए सच में वो खड़ा रहते हैं। हम लोग ने जब 2.5 मिनट उनसे बात की तो एक एक बात बारीकी से समझना उनका और एक एक बात पर रिप्लाई देना। वो कंप्लीट वीडियो नहीं बनाने दिया गया, वहाँ के आस पास के जो लोग थे, गार्ड थे, उन लोगों ने मना कर दिया वीडियो बनाने से, इसलिए हम लोग ने सिर्फ छोटा वीडियो ही डाला है आपके लिए, तो वो पूरी वीडियो हम लोग नहीं डालते। मेरे प्यारे बबुआ, आप लोग की मांग जो थी कि इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया जाए 10th क्लास में, पेपर समय पे हो, 3 साल के अंदर जैसे पूरा हो और पेपर लीक होने की शिकायत खत्म हो जाए, इन सब में उन्होंने पूरे तरीके से बात की और पूरा सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा एक सही मुद्दा है और हम लोग ये पैदल यात्रा को उन्होंने सराहनीय दिया कि बहुत आप लोगों ने सराहनीय काम किया कि शिक्षा यात्रा निकाले और इस तरीके से चीज़ें। तो मैं प्यारे बबुआ आप लोग सीखों का अपना ये उम्मीद जलाए रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए। आज देखिए मेहनत का फल मिला, आज हमने मेहनत किया, तपस्या किया, त्याग किया और उसका रिजल्ट मिला, क्या तेजस्वी जी ने हम लोगों से बात की। तो मेरे प्यारे बबुआ यही बात थी उसके साथ और आगे जैसा भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा मैं फिर दूंगा। आज हम लोग जाएंगे सीमावास और शिक्षा मंत्री के पास, उन लोग के पास भी ज्ञापन देंगे और बात करेंगे। इसके अलावा अदर टीचर्स लोग के पास भी आज चलेंगे और जैसा होगा इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए मेरी टीम है एक छोटी सी झोंपड़ी में जो पटना की तरफ नगर पालिका से मिलता है, उसी में हम सभी लोग सोए हुए हैं, पूरी की पूरी टीम। अभी हम लोग जगे हैं क्योंकि रात 1:30-1:30 बज गया था तो सो नहीं पाए थे, तो अभी हम लोग जगे।